तो गेमर्स की हाल चाल और स्वागत है आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। एंड आज अपन फिर से खेलने वाले हैं अपना पेल वर्ल्ड। और यार आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले वीडियो में अपन ने अपना बेस यहाँ पर अपग्रेड किया था और साथ ही में यहाँ पर अपन ने अपने लिए कुछ आउटफिट वगैरह भी अनलॉक किए थे। एंड आज का जो मिशन है वो होने वाला है कि अपने को यहाँ पर फीड बॉक्स भी बनाना है अपने पेल्स के लिए, ताकि यहाँ पर वो खुद खाना खा सके। और इसके अलावा अपन ट्राई करेंगे कि आज अपन बेरी प्लांटेशन अनलॉक कर लें, ताकि जो खाने का टेंशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस अपन आ चुके अपने गेम में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि केटीवा अपना काम अच्छे से कर रहा है, माइनिंग वगैरह। इसके अलावा अपना पहला मिशन यहाँ पर है अपने को अपना फीडबॉक्स बनाना है, ताकि अपने को बार बार भाई अपनी पार्टी में बंदों को लेकर के खाना ना खिलाना पड़े एंड वो खुद ही यहाँ पर खा ले। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेस लेवल अपग्रेड में भी अपने को सबसे पहले फीडबॉक्स ही बनाना है। इसके अलावा अपने को 3 यहाँ पर स्ट्रॉ पेल बेड बनाने हैं, जहाँ पर कि ये बंदे सोते हैं। और जिनमें से अपन एक बना लिया है तो अपने को सिर्फ 2 ही और यहाँ पर बनाने रहेंगे, उसके बाद में अपना जो बेस है वो फाइनली अपग्रेड अपन कर पाएंगे। तो चलो यार फटाफट से पहले अपना फीडबॉक्स बना लेते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ इसको अपन घर के अंदर ही बना लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, बाद में देख लेंगे अगर कहीं और बनाना होगा तो। आई डोंट नो वैसे अपन बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर वापस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं, बट जो भी होगा बाद में देख लेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक मैंने अनलॉक नहीं किया है ना वो, तो मुझे पहले अनलॉक करना पड़ेगा अपना फीडबॉक्स। तो टेक्नोलॉजी में मैंने देखा था ये है भाई, तो अपन ने इसको अनलॉक कर लिया है। बाकी फाइनली अपन अभी इसको बना सकते हैं। अपने को इसके लिए 20 वुड लगेंगी एंड मेरे पास में वुड भाई अभी के लिए नहीं है। भाई मेरे पास एक भी वुड नहीं है। आई थिंक यार जहाँ तक मुझे पता है ना, अपने पास में जो स्टोरेज है या फिर चेस्ट बॉक्स है उसमें होना चाहिए। बाकी खाना मैंने खा लिया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर की, जो कि मुझे कल मिली थी। एंड जब अपन ने ये गेम स्टार्ट किया था ना, तब मुझे एक बॉक्स मिला था जो कि कॉपर की से यहाँ पर ओपन होता है। तो आज अपन वो भी देखेंगे कि उस बॉक्स में अपने को क्या देखने को मिलता है। बाकी हाल फिलहाल में मेरे को लकड़ी वगैरह काटनी रहेंगी, ताकि अपन अपना जो फीडबॉक्स है वो बना लें। तो चलो भाई जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर वुड देख लूँ मेरे पास कितना है। तो भाई यहाँ पर मेरे पास में 9 वुड है, तो मैं पहले इसको यहाँ पर ले लेता हूँ अपने पास में। एंड फटाफट चलते हैं और भी वुड यहाँ पर अपन लेकर के आ जाएंगे। एंड यार पत्थरों के तो अपने पास में कोई कमी नहीं है, क्योंकि यार केटीवा काम कर रहा है, तो अपने को जल्दी जल्दी वो वाला पेल पकड़ना पड़ेगा जो कि वुड का काम भी यहाँ पर कर देगा। ओके तो ये देख सकते हो आप बन चुका है। बाकी जैसा मैंने कहा इसमें अपने को खाना वगैरह डालना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं ये ब्रेड रख देता हूँ क्योंकि और कुछ भी नहीं है मेरे पास में। ये है लेकिन यार ये बेरी सीड, आई डोंट थिंक सो इसे अपन रख सकते हैं। तो ये अपने को यूज़ में आएंगे भाई बेरी प्लांटेशन के। तो फटाफट चलते हैं। एंड पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो बॉक्स था ना जिसे मैं ओपन करने के कह रहा था, वो अपन देख करके आ जाते हैं। आई डोंट नो उसमें क्या मिलेगा, बट मे भी कोई भाई अच्छी चीज़ मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम अपन ने एक बॉक्स ओपन किया था जिससे अपने को मेगा स्फीयर मिला था, तो आई होप कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो कि अपने लिए फ़ायदेमंद हो। तो ठीक है ये बंदा अपना काम कर ही रहा है, अपन फटाफट से निकलते हैं। एंड वो वाला बॉक्स आई थिंक ऊपर की तरफ था मैंने देखा था, तो फटाफट चलते हैं अपन। एंड यार कल अपन ने एक फॉक्स को पकड़ने की कोशिश की थी जो कि मतलब भाई आग के गोले फेंकता है, तो मैं सोच रहा हूँ आज अपन फिर से उसको पकड़ने का ट्राई करेंगे। क्या पता भाई आज अपने हाथ में आ जाए वो, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। अभी के लिए फटाफट चलते हैं अपन एंड वो बॉक्स देख लेते हैं। आई डोंट नो। ओके भाई ये बंदा इधर आ गया क्या, मेमोरेस्ट एंड इसका लेवल 34 है। तो भाई अभी हाल फिलहाल इस जैसे बंदों को पकड़ने की तो अपन सोच भी नहीं सकते हैं, ये एक ही बार में अपनी वाट लगा सकते हैं, इतने खतरनाक ही होते हैं। बाकी ठीक है भाई अभी के लिए अपन चलते हैं। आई थिंक इधर की तरफ ही देखा था मैंने वो बॉक्स, ठीक है आई थिंक नीचे की तरफ था जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी यार अभी अपना लेवल 3 है, काफ़ी कम है यार। तो अपने को लेवल 7 तक अपने बेस को पहुँचाना है और 30 पेल्स कैप्चर करने है भाई, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ठीक है अपन जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। बाकी बॉक्स मेरे ख्याल से इधर ही किधर होना चाहिए था। ओके ये है ना भाई, ये खुलता है भाई कॉपर की से। ओके तो मुझे इसमें गोल्ड कॉइन मिले 550 और पेल्स फेयर मिले 3। एंड अभी मेरे पास में कॉपर की है, आई थिंक मुझे लगता है कि अपन जितने भी बॉक्स हैं ना वो सारे अपन एक ही कॉपर की से खोल पाएंगे। बाकी पहले मुझे लग रहा था कि एक बार अपन इसको यूज़ कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, अपन बार बार इसकी को यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, अपन देख लेते हैं भाई क्या सीन है। ठीक है तो पता नहीं ये क्या है, कैस्टावेज जर्नल
ओके तो यहाँ पे अपने को जर्नल मिली है, आई डोंट नो, पता नहीं भाई ये किस काम की है, बट अब अपन बाद में देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए अपन वापस चलते हैं एंड बेरी प्लांटेशन का मैं सोच रहा हूँ, तो वो काम अपन कर लेंगे ताकि अपना खाने वगैरह का लफड़ा ना रहे। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ कहीं दूसरा बॉक्स तो नहीं था वो, यार वो था तो इधर ही, मेरे ख्याल से यही वाला होना चाहिए, क्योंकि अपन इसको पहले खोल नहीं पा रहे थे एंड अभी अपन ने खोल लिया। बिकॉज ये पहले खुल जाता तो यार वैसे भी यहाँ पर नहीं रहता ना। चलो ठीक है, बाकी अभी के लिए अपने वेपन्स वगैरह तो सही है। आई डोंट नो मैं इनको अपग्रेड वगैरह कर सकता हूँ क्या ज़्यादा डैमेज के लिए, ऐसा तो कोई सीन नहीं लग रहा। बाकी अपन नए वेपन्स यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं तो ठीक है। बाकी मुझे पहले लग रहा था कि शायद अपन को अपने वेपन्स वगैरह अपग्रेड करने पड़ेंगे ज़्यादा लेवल के बंदों को मारने के लिए। एंड आई डोंट नो ये पेल गियर वर्क बेंच क्या है, एंड स्टेचू ऑफ पावर माउंटेड टॉर्च, ओके तो ये तो कोई फर्नीचर सेट वगैरह है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं अनलॉक करने के लिए जिनको अपन धीरे धीरे कर लेंगे। बाकी अपन वेपन्स वगैरह आई डोंट थिंक सो अपग्रेड कर पाएंगे यहाँ पर। एंड मेरी जो एक्स है उसको मेरे को फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज वो यहाँ पर है, तो वो अपन बाद में कर लेंगे। हाल फिलहाल तो अपना काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अपन बेरी प्लांटेशन का चालू कर लेते काम, ताकि अपने खाने का लोड ना रहे भाई, क्योंकि यार ये जो बंदा है ना काफ़ी टाइम से काम कर रहा है अपना केटीवा, एंड इसको मैंने काफ़ी टाइम से खाना मेरे ख्याल से नहीं खिलाया है। आई हैव नो आइडिया, खिलाया भी हो तो भाई मैं भूल गया होगा। बाकी अभी के लिए अपना एक मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फीड बॉक्स का, अपने को 3 यहाँ पर स्ट्रॉ पेल बेड बनाने हैं, जो कि ओके यही वाले हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ अपन इधर ही बना लेते हैं भाई, अंदर तो क्या ही रखेंगे, बाकी अपन अलग जगह और बना लेंगे बाद में। ओके भाई ठीक है, तो यहाँ पर अपने को वुड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है मुझे वुड यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यार मैं यार बार बार आग में कूद जाता हूँ भाई, हद है, इसे कहते हैं आबेल मुझे मार, सीरियसली मुझे पता है मेरे को नुकसान होएगा उससे, बट स्टिल आई डोंट नो मैं क्यों जाता हूँ यार, हद है। चलो ठीक है भाई, अपन फटाफट से वुड काटना शुरू करते हैं, एंड अपना केटीवा अभी रेस्ट पे है। चलो ठीक है भाई उसको रेस्ट करने दो, वैसे भी वो आई थिंक 24/7 काम ही करता है, मैंने उसको सोते हुए नहीं देखा, वो शिप तो फिर भी सो जाती थी, केटीवा को मैंने सोते हुए नहीं देखा आई थिंक, बट चलो ठीक है जो भी है, अच्छा भाई बंदा काम करने वाला है वो, डेट्स वाई मैंने उसको यहाँ पर छोड़ रखा है, एटलीस्ट वो काम तो करता है ना। एंड जब अपन फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे ना लाइक बेरी प्लांटेशन वगैरह, तब अपन को शिप को भी यहाँ पर बेस पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फार्मिंग का काम करते हैं, तो अपने लिए अच्छा रहेगा, अपने को हेल्प मिल जाएगी। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पर बनाना शुरू करता हूँ ये, तो अभी आप देख सकते हो 2 अपन ने बना दिए हैं आई थिंक, एक और बनाना अपने को, हाँ ना एक और बनाना, ठीक है तो अपन फटाफट से यहाँ पर एक और बना देते हैं। ओके वुड तो है मेरे पास में, कोई इशू नहीं है, ठीक है यहाँ पर मैं रख दूँगा थोड़ा पास, एंड इसको भी बना लेते हैं फटाफट से। चलो भाई ठीक है, तो ये भी अपन ने बना लिया है, एंड आई थिंक अपन अपने बेस को जो है ना अभी अपग्रेड कर पाएंगे। चलो ठीक है जल्दी से कर लेते हैं, अपन लेवल 4 पर अपन आ चुके हैं, एंड अभी अपने को बेरी प्लांटेशन यहाँ पर बनाना है, जो कि अपन सोच भी रहे थे। इसके अलावा अपने को 4 पेल्स को बेस पर छोड़ना है, आई थिंक अभी यहाँ पर 4 अनलॉक हो गए होंगे, पहले नहीं थे, पहले मेरे ख्याल से 3 ही थे, आप देख सकते हो अभी यहाँ पर 4 अनलॉक हो चुके हैं, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फटाफट से अपन काम शुरू करते भाई बेरी प्लांटेशन का, तो आई थिंक मुझे पहले अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने अनलॉक यहाँ पर नहीं किया था। बाकी मैं सोच रहा हूँ अपन बेरी प्लांटेशन कहाँ पर करें भाई, क्योंकि अच्छी जगह देखनी पड़ेगी मुझे, एंड यार आई डोंट नो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अपने बनाई नहीं रहेगी, लाइक रेंच भी बनाना पड़ेगा अपने को, तो उसके लिए आई डोंट नो कितनी जगह चाहिए, तो यार मैं उस हिसाब से अभी काम करूँगा। कहाँ बनाए भाई, आई थिंक मैं इस साइड बना सकता हूँ बेरी प्लांटेशन का काम, इस साइड करेंगे तो क्या है ना थोड़ा साइड में भी है, एंड आई थिंक फार्मिंग का काम इधर यहाँ पर हो सकता है जितनी यहाँ पर जगह है, क्योंकि यार बाकी दूसरी जगह अपन यूज़ में लेंगे तो वहाँ पर आई थिंक इस जगह तो अपन रेंच वगैरह आराम से बना सकते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, तो प्लांटिंग के लिए आई थिंक मैं इधर ही ले सकता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आई थिंक मैं इधर कर दूंगा भाई फाइनल। चलो ठीक है, तो फटाफट से मैं देखता हूँ कहाँ है अपना बेरी प्लांटेशन। अच्छा हाँ ना अपन ने अनलॉक नहीं किया था, रुको, तो भाई वो था आई थिंक लेवल 5 पे। चलो ठीक है भाई डन,
तो अभी के लिए फटाफट बनाते हैं इसको। आई डोंट नो कितना इसमें वुड वगैरह लगेगा। ठीक है भाई, बाकी सारी चीज़ें हैं अपने पास में। 15 वुड चाहिए अपने को, बाकी बेरी सीड्स है अपने पास और स्टोन भी है। ठीक है, तो अपने को 15 वुड चाहिए, तो जल्दी से अपन वुड काट के लाते हैं, देन अपना जो बेरी प्लांटेशन है वो भी चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनल करता हूँ इसको एंड फटाफट से बनाना चालू कर देते हैं। तो फटाफट बिल्ड करते हैं इसको। अपना केटीवे भी यहाँ पर आ चुका है, तो अपना जो काम है ना वो गाइस जल्दी हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो फाइनली अपना जो बेरी प्लांटेशन है वो यहाँ पर चालू हो चुका है या फिर बन चुका है। अभी अपने को यहाँ पर आई थिंक बेरीज को प्लांट करना है। मैं इस तरफ क्यों कर रहा हूँ तो अभी अपन सीड्स वगैरह यहाँ पर लगा रहे हैं, जो अपने बीज होते हैं बेरीज के, एंड उसके बाद अपने को पानी देना पड़ेगा इसमें। एंड आई डोंट नो अभी कोई और बंदा क्यों नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अभी प्लांटिंग का काम कोई करता नहीं है क्या। एंड यार वैसे ही मैंने बंदों को छोड़ कहाँ रखा है अपने बेस पे। चलो ठीक, अभी मैं पानी यहाँ पर दे देता हूँ बेरीज को। बाद में जब मैं अपने बंदों को बेस पर छोड़ दूंगा तो वही कर लेंगे भाई सारा काम, कोई इशू नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है केटी भाई ये सब काम नहीं करता फार्मिंग का, दैट्स वाई अपनी हेल्प नहीं करा रहा वो, उसके मस्त पत्थर ले जाने में बिजी है। चलो ठीक है, तो वाटरिंग का काम यहाँ पर हो चुका है। अभी ये ग्रो होता रहेगा एंड बाद में अपने को इसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये काम आई थिंक धीरे धीरे होगा ग्रोथ का। तो अभी के लिए अपन चलते हैं एंड बाकी काम यहाँ पर कर लेते हैं। तो बेरी प्लांटेशन अपना हो चुका है एंड अभी अपने को बंदों को बेस पर छोड़ना रहेगा, तो वो मैं कर देता हूँ। बाद में अपना जो अपन बेस है ना वो भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ चिकी पिको मैं यहाँ पर लूँ या नहीं लूँ। बाकी जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक ये भी काम करता है अपने उसका फार्मिंग का। बाकी आई डोंट नो डिटेल्स कहाँ से देख सकता हूँ मैं इनकी। चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अपन चिकी पिको ले लेते हैं एंड दो अपन अपना जो लेम्बोल्स है उनको ले लेंगे, वही सही रहेगा क्योंकि सारे सेम रखने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। एक केटीवा अपने रह जाएगा, दो में ये लेम्बोल्स रख लूँगा और एक अपना चिकीपी हो जाएगा। एंड वैसे भी अपने को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि चिकीपी भी काम करता है या नहीं। तो फाइनली अपन अपना बेस अपग्रेड कर सकते हैं भाई, लेवल 5 में अपन आ चुके हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अपने को पेल गियर वर्कबेंच बनाना है, जो कि आई डोंट नो क्या सीन है। एंड फाइनली भाई अपना जो बेरी है ना वो यहाँ पर ग्रो हो चुकी है एंड अपना चिकीपी और केटीवा दोनों भाई हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। बाकी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वो क्या काम करते हैं फिर, वो भी तो फार्मिंग का करते हैं ना भाई। तो वो बंदे कहाँ हैं अपने जो लेम्बोल्स है वो, ये लोग क्या काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं अभी। चलो ठीक है, बाकी यार जहाँ तक मुझे पता है मेरे ख्याल से यार ये लोग भी करते हैं ना फार्मिंग का, तो आई हैव नो आइडिया यार। बाकी ये अभी सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग का काम ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, इनको करने दो, कोई इशू नहीं है। A few inches later. तो चलो गाइस फिर से मैं यहाँ पर सीड्स वगैरह डालना शुरू करता हूँ क्योंकि अपना कोई भी पेल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस चीज़ का। तो आई थिंक मेरे को कोई दूसरा पेल पकड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बाकी आप लोगों को पता हो कि कौन सा पोकेमोन ये काम करता है अपने सीड्स वगैरह डालने का या फिर वाटरिंग का, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना, अपन उसे भी यहाँ पर जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है भाई, अपना यहाँ पर सीड्स का काम हो ही गया है लगभग। अभी अपने को फिर से पानी यहाँ पर डालना पड़ेगा। बाकी यार पहले मुझे लग रहा था कि ये लेम्बोल्स भी काम करते हैं फार्मिंग का, बाकी इन्होंने यार एक भी काम नहीं किया ना, इन्होंने सीड्स वगैरह डाले एंड ना ही यहाँ पर इन्होंने पानी दिया। ठीक है, देख रहे हो एक भी बंदा यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक ये काम कोई और पहले यहाँ पर करता है, तो अपने को पता करना पड़ेगा भाई कौन करता है ये एंड उसको पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, वाटरिंग का काम अपना ऑलमोस्ट यहाँ पर हो ही चुका है। बाकी ये लोग लगे हुए हैं भाई इनके काम में, अपना केटीवा माइनिंग कर रहा है एंड ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं काम। आई डोंट थिंक सो चिकी भी कुछ कर रहा होगा क्योंकि चिकी भी जहाँ तक मुझे पता है ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। एंड मैं सोच रहा हूँ अभी अपन ये सब काम तो हो चुका है अपना एंड हार्वेस्टिंग ये लोग कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मैं कुछ खाना यहाँ पर खा लेता हूँ एंड देन अपन चलते हैं कुछ पोकेमोन पकड़ के लाते हैं। रुको मुझे खाने दो, आई डोंट नो मेरी हेल्थ वैसे तो कम ही है भाई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी अभी के लिए, बाद में अपन और खा लेंगे। एंड अभी फाइनली अपन चलते हैं एंड कुछ पोकेमोन्स यहाँ पर पकड़ के लाते हैं। बाकी देख रहे हो ये बंदा मस्त यहाँ पर घूम रहा है, आइडल है ये।
तो ये कुछ भी नहीं कर रहा अभी हाल फिलहाल के लिए। आई डोंट नो इसका काम क्या रहने वाला है। एंड जहाँ तक मुझे पता है, अपन जो बंदों को मारते हैं ना अपनी एक्स वगैरह से, उसके अलावा एक और वेपन अपने पास में है जो उसी काम के लिए यूज़ में आता है, तो वो भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, क्योंकि यार इस चीज़ से ज़्यादा डैमेज मैं यहाँ पर दे पाऊँगा। आप देख सकते हो ये है वुडन क्लब, तो इससे अपन किसी भी पहल को मारेंगे ना तो यार उसको ज़्यादा डैमेज होता है अपनी एक्स और इससे, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर लेता हूँ, क्योंकि सारा सामान है अपने पास में, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, नाइस। चलो ठीक है, तो यार लेम्बोस एंड कैटिवा तो काम के लगते हैं मुझे। बाकी ये चिक्की भी भाई कुछ काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे मस्त घूम रहा है। आई डोंट नो मैंने इसको बेस पे क्यों छोड़ रखा है, मेरे को देखना पड़ेगा कि ये क्या काम करता है। तो वो काम अपन जब चालू करेंगे ना तभी इसको बुलाएंगे। एंड अभी के लिए यहाँ पर नाइट हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन सो जाते हैं एंड कल मॉर्निंग में अपन यहाँ पर कुछ पेल्स को कैप्चर करेंगे। बाकी आप देख सकते हो कैटिवा भाई इतनी दूर से भाग गया मेरे को देख के, तो काफ़ी ज़्यादा कावर्ड होते हैं ये लोग। चिकी पी भी आई डोंट थिंक सो इतना होता है, क्योंकि चिकी पी को मैंने जब पकड़ा था ना तो वो डर के नहीं भागा था, तो भाई ये लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से अपन सो करके यहाँ पर आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, एंड हार्वेस्टिंग करने के बाद में ये इनको ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे। तो भाई अपन सो जाते हैं, ज़्यादातर काम अपना यहाँ पर वैसे भी हो ही रहा है, कोई इशू नहीं है। तो गुड मॉर्निंग गाइज, अपन आ चुके हैं अपने एक नए दिन पर, एंड ये लोग तो लगे हुए हैं, इनको लगे रहने। तो अपन फटाफट से चलते हैं एंड कुछ पोकेमोन्स पकड़ कर लाते हैं। एंड यार आज मैं ट्राई करूँगा वो फॉक्स वाला पकड़ने का, जिसने कल अपने को भाई लगभग हरा ही दिया था। एंड मैं भागता नहीं तो भाई मैं मर जाता, इसलिए मैं भाग गया था कल। बट आज अपन पूरी तैयारी के साथ आए हैं, एक नया वेपन अपन लाए हैं, तो उसी से अपन उसको मारेंगे। एंड देखते हैं भाई आज अपन उसको कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। बाकी अपना प्लेयर लेवल भी 6 है, एंड आई थिंक बेस्ट लेवल भी अपना मेरे ख्याल से 6 ही होना चाहिए। एंड अभी कोई प्लेयर स्टेट्स तो है नहीं, तो चलते हैं भाई, बाद में होंगे तब अपन अपग्रेड कर लेंगे। एंड ठीक है भाई, ये भी काफ़ी सारे पड़े हैं मेरे पास में, तो जब से अपन ने किटिवा काम काम पर लगाया है ना, प्लेडियम फ्रेगनेंट वगैरह अपन पास में सारी सारी चीज़ें यहाँ पर है ऑलरेडी। एंड यार ये वाला बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, आई डोंट नो ये क्या काम करता है। बाकी काफ़ी बड़ा है, एंड यार इसका लेवल 17 है, तो भाई मैं इससे पंगा नहीं लेने वाला हूँ अभी, काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है मुझे ये। तो भाई इससे दूर रहने में अपनी भलाई है, अपने को अभी 1 से 7 लेवल तक का ही बंदा पकड़ना है। एंड वैसे भी यार सबका अलग अलग पावर होता है, कल उस फॉक्स वाले ने अपने को हरा दिया था जबकि वो सिर्फ 3 लेवल का ही था यहाँ पर, तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो यार यहाँ पर तो सारे सारे यार चिकी पी है, इनको मैं ले जाकर क्या करूँगा, ये वैसे भी कुछ काम नहीं करते, इनका मुझे देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। तो फटाफट चलते हैं भाई, कोई ढंग का मुझे मिल जाए ना तो सही रहेगा। एंड मैन तो यार मुझे वो वुड वाला पकड़ना है, बट भाई उस बंदे का लेवल हमेशा ही ज़्यादा होता है। एंड मुझे एक और बंदा मिला भाई, आप देख सकते हो फ्लाइंग वाला, ये रहा भाई नेटवेंग, आई डोंट नो बट मैं इसको मारूंगा कैसे, क्योंकि ये तो हवा में उड़ रहा है, तो इसके लिए मेरे को आई थिंक बो वगैरह चाहिए होगा, एरो एंड बो, जिससे मैं इसको मार पाऊँगा एंड कैप्चर भी कर पाऊँगा। तो इसको अपन बाद में देखेंगे, बाकी अभी के लिए मुझे यहाँ पर वूल मिला है तो मैं रख लेता हूँ भाई, ये क्लॉथ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली अपना यहाँ पर फॉक्स भी मुझे दिख चुका है, तो इसको भी मैं पकड़ लूँगा। एंड ये कौन है भाई, क्रेमिस भाई, ये अलग लग रहा है मुझे काफ़ी, इसको भी मैं पकड़ सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ इसको अपन बाद में देखेंगे, हाल फिलहाल अपन फॉक्स को पकड़ते हैं। आप देख सकते हो वो लेवल 3 का था, ये लेवल 5 का है, तो आई डोंट नो भाई अपन इसको पकड़ पाएंगे या नहीं, तो मैं एक बार इसका ट्राई करता हूँ भाई, क्या पता ये हाथ आ जाए अपना, लेवल 2 ही है ये सिर्फ। एंड आई डोंट नो ये क्या काम करता है, देखना पड़ेगा मुझे। भाई ये भाग रहा है यार, रुको, चलो ठीक है। एंड भाई ये हमला नहीं करता क्या, देख रहे हो कुछ नहीं कर रहा है ये, चलो ठीक है। एंड यार ये मैंने क्या किया भाई, मैंने मेगा स्फीयर का यूज़ कर लिया यार, शिट, हद हो गई यार, मुझे मेगा स्फीयर का यूज़ नहीं करना था, मैंने वेस्ट कर दिया पता है, वो ज़्यादा लेवल के बंदा को पकड़ने के लिए था, ये सिर्फ सेकेंड लेवल का बंदा था भाई, भाई मैंने वेस्ट कर दिया यार कसम से भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी पता नहीं वापस से कब मिलेगा मुझे इस टाइप का पेल्स फेयर, चलो ठीक है भाई वेट करना पड़ेगा अपने को। बाकी मैं सोच रहा हूँ अपन फॉक्स भी यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। एंड आई डोंट नो ये कौन से हैं, आप देख सकते हो भाई ये भी डरपोक ही है काइंड ऑफ, काफ़ी भाग रहे हैं ये। एंड भाई ये है गुमोज, आई डोंट नो ये क्या काम करते हैं, आप देख रहे हो भाग रहे हैं भाई चलो ठीक है। एंड इस नेटविंग को मैं बाद में कभी पकड़ूंगा,
क्योंकि नीचे से तो मैं मार नहीं सकता ना इसको, तो अभी के लिए मैं फोक्स को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ। फटाफट से अपन चलते हैं। वो रहा भाई, मस्त उछल कूद कर रहा है वो। एंड भाई ये लेवल 5 का है तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम लेवल 3 का था उसने भाई अपने वाट लगा दी थी। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और पेल्स फायर मिल चुका है। बट यार दुख मुझे इसी चीज़ का है कि यार अपना मेगा स्पेयर यहाँ पर चला गया भाई, मैंने गलती कर दी। खैर छोड़ो, अभी क्या कर सकते हैं। फटाफट से मैं इसको कूटता हूँ। भाग क्यों रहा भाई इतना? ये डरपोक तो नहीं है मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों भाग रहा है ये। चलो मुझे बच के रहना पड़ेगा भाई, वैसे मेरी हेल्थ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आधे से कम है भाई। एंड आई डोंट नो ये क्या काम करता होगा, मुझे देखना पड़ेगा बाद में। आई होप ये कोई काम का निकला भाई। चलो ठीक है, तो अभी फटाफट से पकड़ते हैं। भाई ये क्या, मेरे पास तो 4 थे ना, मेरे पास स्पेल्स फेयर क्यों नहीं दिखा रहा है भाई यहाँ पे? तो रुको यार, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे फिर? यार हद है यार, ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी भाई। रुको एक सेकेंड यार, यहाँ से तो वेपन स्विच हो रहे हैं। रुको, कहाँ से आएंगे भाई स्पेल्स फेयर? ओके ओके, आई थिंक आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो लास्ट टाइम पे वो मेगा स्पेयर पे सिलेक्टेड था, इसलिए लोचा हो गया भाई, इसलिए अपना मेगा स्पेयर चला गया। चलो ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है कि अपन ने इसको कैप्चर कर ही लिया है। बाकी इसने मेरी हेल्थ डाउन कर दी यार, अभी भी मेरे को आग लगी हुई है, समझ रहे हो, खतरनाक है ये। एंड भाई ये सिर्फ किंडलिंग का काम करता है। अपन सोच रहे थे ना आग में अपन लकड़ी कैसे डाले, तो वो काम ये खुद करेगा भाई, अपने कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये और भी कोई काम नहीं करता, फार्मिंग ट्रांसपोर्टिंग इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आग जलाने का काम करता है, जो कि भाई पता भी चल रहा था अपने को आग लगा दी भाई इस बंदे ने। चलो ठीक है, तो फटाफट से अपन घर पे चलते हैं। अपने पास में 2 और यहाँ पर हो चुके हैं, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। एंड ये लोग बेरीज जो है ना फीड बॉक्स में डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर खुद ले लेता हूँ ताकि भाई अपनी हेल्थ यहाँ पर पूरी हो जाए। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर आधी ले ली है, तो फटाफट से मैं भी खा लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। बाकी आई डोंट नो केटीवा की कितनी हेल्थ होगी, वैसे उसने खा लिया होगा ना फीड बॉक्स से, डाइट वो खा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है गाइस, खाना वाना मैंने खा लिया यहाँ पर। एंड मैं सोच रहा हूँ कि वो जो अपना नेक्स्ट वाला मिशन आ रहा था ना, अपने को पेल गियर वर्कबेंच बनाना था, वो अपन देख लेते हैं। वो शायद मैं अनलॉक नहीं कर रखा है, तो वो मैं अनलॉक कर लेता हूँ। बाकी यार आई डोंट नो क्या काम करता है अभी के लिए मुझे पता नहीं है वो चीज़। आप देख सकते हो लेवल 6 पे अपना अनलॉक हुआ है ये, तो फटाफट से मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। एंड अभी इसको अपने को बिल्ड करने के लिए भाई 2 क्लॉथ लगेंगे और 20 यहाँ पर वुड लगेगी। बट यार क्लॉथ तो अपने पास में है नहीं, आई थिंक वुड से अपन बना पाएंगे, कोई इशू नहीं है, तो वो अपन बना लेंगे। एंड मैं यहाँ पर इसको रख दूँगा भाई अपना जो रिपेयर बेंच है उसके पास में। तो मैं सोच रहा हूँ अपन इसको नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है गाइस, ये था आज के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी यहाँ पर दबा देना, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड सायो नारा।